हेलो एंड वेलकम ऑल। कंफ्यूज वर्ड्स में आज 54 से लेकर के 57 तक के कंफ्यूजन्स होंगे। आज का पहला है ऑर्डिनेंस, हिंदी होती है अध्यादेश। दूसरा ऑर्डिनेंस, युद्ध सामग्री। ऑर्डिनेंस में देखेंगे आप, देखिए लास्ट में एन एन सी ई दोनों में है तो नेंस तो हो गया, याद रहेगा आपको। इधर ऑर्डी ओ आर डी आई ऑर्डी, इधर ओ आर डी ऑर्ड, तो ये स्पेलिंग आपको याद रखना है और साथ में प्रोनाउंसिएशन भी। तो ये ऊपर का हो गया ऑर्डिनेंस, नीचे का हो गया ऑर्डिनेंस। इसका मतलब, ऑर्डिनेंस का मतलब अध्यादेश। अध्यादेश क्या है, सेंटेंस में लिखा है, समझ में आ जाएगा। ऑर्डिनेंस मतलब युद्ध सामग्री, गोला बारूद भी कह सकते हैं। दूसरा है पीस, पीस दोनों का उच्चारण एक ही होता है, पीस मतलब, पहले पीस मतलब शांति आप जानते हैं, दूसरे मतलब टुकड़ा। फिर है परसिक्यूट, परसी देखिए पी आर ए सी परसी क्यूट, क्यूट दोनों में है, हाँ क्यूट पढ़ेंगे। परसी है इधर, प्रोसी है, अंतर कहाँ पे है, पी आर है, पी आर ओ है, तो यही याद रखेंगे आप स्पेलिंग याद रखने के लिए। परसिक्यूट प्रोसिक्यूट, परसिक्यूट की हिंदी थे तंग करना, तंग करना कैसा, अनुचित रूप से तंग करना। और फिर प्रोसिक्यूट मतलब अभियोग चलाना, जो केस मुकदमा चलता है वही है प्रोसिक्यूशन है, प्रोसिक्यूट है। फिर है पर्सनल, पर्सनल मतलब व्यक्तिगत, आप जानते हैं इससे अवगत हैं आप, किंतु पर्सनल मतलब कर्मचारी, यह क्या है इसे भी हम समझेंगे। देखिए आज जितना पढ़ेंगे इसमें दो वर्ड्स ध्यान रखेंगे आप, एमुनिशन और पर्सनल। ये दोनों वर्ड जनरली, यहाँ पे स्टार दे देता हूं, ये क्या होते हैं, जनरली प्लुरल होते हैं दोनों वर्ड। अब करते हैं शुरुआत। पहला ऑर्डिनेंस, अन ऑर्डिनेंस इज इश्यूड, एक अध्यादेश जारी किया जाता है, इश्यूड मतलब जारी किया जाता है, बाय द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के द्वारा। व्हेन द पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन, जब संसद अधिवेशन में नहीं होती है, जब संसद का सत्र नहीं चलते रहता है, सेशन मतलब सत्र कह दीजिए या अधिवेशन कह दीजिए, जब संसद का सत्र नहीं चलते रहता है तो उस वक्त जरूरत पड़ने पे प्रेसिडेंट अध्यादेश इशू कर देते हैं, इसे ही कहते हैं ऑर्डिनेंस। राज्य सरकार में भी जब लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं चलती है तो उस वक्त राज्य के गवर्नर ऑर्डिनेंस इशू कर देते हैं। नाउ ऑर्डिनेंस मतलब युद्ध सामग्री। आर्म्स एंड एमुनिशंस आर मेड इन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज, आर्म्स एंड एमुनिशंस मतलब गोला बारूद, आर मेड बनाए जाते हैं इन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज, युद्ध सामग्री की फैक्ट्रियों में, इसका यूज किया। पीस, गांधीयन थॉट्स ब्रिंग पीस, गांधीयन थॉट्स की हिंदी होती है गांधी के विचार, गांधी के विचार, गांधीयन थॉट्स ब्रिंग पीस, शांति लाते हैं। फिर पीस टुकड़ा, पीसमील स्टडीज इज गुड फॉर वर्किंग स्टूडेंट्स, पीसमील मतलब छोटा छोटा टुकड़ा में स्टडीज पढ़ाई, इज गुड अच्छा होता है, फॉर वर्किंग स्टूडेंट्स कार्यरत बच्चों के लिए, कार्यरत बच्चे कौन, जो जॉब करते रहते हैं पढ़ाई करते रहते हैं, हम कहते हैं वर्किंग स्टूडेंट्स, तो उनको मॉर्निंग में कुछ देर पढ़ लिया, फिर लंच ब्रेक हुआ वहाँ कुछ पढ़ लिया, फिर इवनिंग में कुछ पढ़ लिया, फिर स्पोर्ट्स गए, स्पोर्ट्स से आने के बाद कुछ पढ़ लिया, फिर डिनर का कुछ पढ़ लिया, ऐसे ऐसे घंटा आधा घंटा जो भी टाइम मिलते रहते हैं वहाँ पढ़ते रहते हैं, इसको बोलते हैं पीसमील स्टडीज। तो पीस को ऐसे यूज कर लिया, पीसमील स्टडीज इज गुड फॉर वर्किंग स्टूडेंट्स, टुकड़े टुकड़े में पढ़ाई, यहाँ पे टुकड़े टुकड़े हो जाएगा इसका हिंदी, टुकड़े टुकड़े। फिर है परसिक्यूट, तंग करना, हिटलर परसिक्यूटेड ज्यूज, ज्यू मतलब यहूदी, आप जानते हैं इतिहास थोड़ा बहुत जानते हैं कि हिटलर जो जर्मनी का तानाशाह था, नाजीवाद नाजी पार्टी थी इसकी, तो हिटलर ने क्या किया, यहूदियों को बहुत ही प्रोसिक्यूट किया, बहुत ही तंग किया।
इसके बाद है प्रोसिक्यूट। प्रोसिक्यूट मतलब अभियोग चलाना, मुकदमा चलाना। कल्प्रिट्स आर प्रोसिक्यूटेड, कल्प्रिट्स मतलब यहाँ पे हो जाएंगे, कल्प्रिट्स मतलब अपराधी, अपराधी अपराधियों पर मुकदमा चलाया जाता है, यह हो जाएगा या अभियोग चलाया जाता है, ये प्रोसिक्यूट का हो जाएगा। पर्सनल मतलब व्यक्तिगत, पर्सनल बेनिफिट इज एक्सपेक्टेड इन अ बिजनेस, एक व्यवसाय में व्यक्तिगत लाभ इज एक्सपेक्टेड की अपेक्षा होती है, एक्सपेक्टेड मतलब अपेक्षा होती है, अपेक्षा होती है, एक व्यवसाय में व्यक्तिगत लाभ की अपेक्षा होती है। नाउ पर्सनल, पर्सनल मतलब कर्मचारी वर्ग, किसी कंपनी के जो कर्मचारी होते हैं उन सब को पर्सनल कहते हैं। कंपनी छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, तो पर्सनल ऑफ ए कंपनी, एक कंपनी के कर्मचारी वर्ग आर एसेट्स फॉर दैट, उसके लिए संपत्ति होते हैं, एसेट्स मतलब संपत्ति। तो किसी कंपनी के कर्मचारी, आप भी, आप गवर्नमेंट जॉब करेंगे चाहे कोई प्राइवेट जॉब करेंगे, तो जिस कंपनी में करेंगे वो कंपनी आपको बोलेगी कि उस कंपनी के आप पर्सनल हैं, पर्सनल, तो उस कंपनी के लिए आप पर्सनल हैं। हाँ, तो इसलिए पर्सनल मतलब कर्मचारी वर्ग किसी पार्टिकुलर कंपनी का, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो। तो इस तरह से हमने कंफ्यूज्ड वर्ड्स में चारों देख लिया। पहला ऑर्डिनेंस देख लिया, ऑर्डिनेंस देखा, पीस पीस देखा, प्रोसिक्यूट प्रोसिक्यूट देखा, पर्सनल और पर्सनल देखा। थैंक यू वेरी मच।